बनाती हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। तो ये हमारी मटर है, ये पनीर है, और ये छोटे छोटे मीडियम साइज के चार प्याज है, और ये दो टमाटर है, और ये देखिए तेल है तड़का लगाने के लिए। तड़का लगने के लिए देखिए दो मिर्च है और तेज पत्ता है, और ये दालचीनी है, दो लौंग है, गोल मिर्च है, और ये बड़ी वाली इलायची है, इसमें आधा डालेंगे। ये जीरा है, और ये हमारा वो ये हमारी कस्तूरी मेथी है, तो इसको हम बाद में डालेंगे। अब देखिए मसाला में क्या चाहिए। तो ये हमारा लाल मिर्ची है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, और ये हमारा देखिए 8-10 कलियां है लहसुन की, और ये हमारा वो अदरक है, दो छोटे छोटे पीस काट लिया है, और ये 6-7 मिर्ची है, ग्रीन मिर्ची। तो अब इसको हम पेस्ट करेंगे। तो पहले इसको पेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम तड़का लगाते हैं। और ये नमक है, स्वाद अनुसार आपको डालना है, जितना भी डाल सके अपने स्वाद के अनुसार डालिए। चलिए देखिए अब इसको हम डाल के इसमें मिक्सी में पीसते हैं, इसको पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए अब पीसते हैं इसको। अच्छा देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी कंगार के उसको निकाल दिया है। अब देखिए इसमें हम सारा मसाला जो हमारा है हम इसी में डालेंगे, इसी में इसका घोल बनाएंगे। जो भी मसाला है, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया, सब कुछ इसी में डाल के हम इसका घोल बना लेंगे। अभी थोड़ी देर तक इसमें ये फूलेगा, फूल जाएगा थोड़ी देर में, तब तक से हम तड़का लगाते हैं सब्जी में। आइए देखिए तड़का लगाते हैं। जब हम तेल डाल दिए हैं, अब इसमें हमने मटर धो के रखा है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इतना अच्छा बनता है कि मटर जो रहता है मटर का वो निकल जाता है, पानी भी सब सूख जाता है और जल्दी पक जाता है, आधा पक जाता है ये ऐसे ही। फिर उसके बाद पनीर में डालेंगे तो अच्छा से पक जाता है, अच्छा रहता है। चलिए देखिए अब ये कितना अच्छा हो गया है, देखिए कि क्या कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल करके इसी में हम पनीर फ्राई करेंगे। देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये खूब बढ़िया हो गया है। अब इसमें हम इसी तेल में पनीर निकालेंगे, डालेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसको। जब भी पनीर में डालना है मटर तो इसको फ्राई करने से ज्यादा अच्छा रहता है और जल्दी हो भी जाता है। ये हमने तेल डाल दिया है, अब तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब देखिए इसमें हम ये पनीर डालेंगे। अब पनीर तल लेते हैं, ये देखिए खूब अच्छा से हमारा पनीर हो जाएगा इसमें। अब इसको हम गोल होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हम खाली गोल होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे, तो ये चिकना हो जाता है। अभी देखिए ये देखिए हमारा ये कितना अच्छा गोल्ड हो गया है हमारा ये पनीर। देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसी में निकालेंगे इसको। ये देखिए मटर में ही निकाल के इसको रख लेंगे, इस तरह से इसको फ्राई करना है मटर के साथ। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है हमारा पनीर। अब इसको हम तड़का लगाते हैं। अब देखिए ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, ये देखिए। आइए अब देखिए हम तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये दालचीनी डालेंगे, दालचीनी डाल के फिर इसके बाद 3-4 लौंग है और गोल मिर्च है, ये डालेंगे। ये देखिए तड़का में ये डालेंगे, फिर इसके बाद हम तेज पत्ता डालेंगे और ये लाल मिर्च, फिर एक बाद हम जीरा डालेंगे। अभी हो जाएगा अच्छी तरह से। देखिए हमारा पट 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 जल रहा है तड़का, अच्छे से हो जाए इसी तरह तड़का लगाइए। अब देखिए तड़का हमारा जल चुका है, अब इसमें हम ये टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे। अभी देखिए प्याज है, प्याज भी मैंने छोटा छोटा भूज लिया है इसको,
नाश्ता से हमारा प्याज भीता हुआ है और बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। आप खाई एक बार बना के देखिए, बार बार दिल करेगा बनाने का, खाने का। बच्चा लोग भी पसंद करते हैं इसको, बहुत अच्छी तरह जैसे होटल में खाते हैं पनीर और मटर पनीर, उसी टाइप से बनेगा। तो बना के देखिए, सब बताइए कि हाँ सच बोल रही थी मैं, हाँ इसको होटल की तरह ही लगेगा। आप इसको बना के ट्राई जरूर करिएगा। एक ब्राउन होने तक इसको भूनना है, वो भी धीरे धीरे भूनना है, एकदम से नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। हम ये देखिए, अब हमारा प्याज देखिए कितना अच्छा भून गया है। ये देखिए एकदम ब्राउन कलर हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालते हैं। ये देखिए जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और जो मसाला रखा था सारे मसाला को एक साथ मैंने ऐड कर लिया है। ये देखिए फिर इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, दो तीन चम्मच पानी डालूंगी, तब जाके ये अच्छे से भूनेगा। अच्छा से भूनेगा, ये स्लो आँच में भूनना है। फिर अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे, देखिए अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, एकदम स्लो आँच में भूजेंगे। जब तक से अच्छा ना कलर ना चेंज हो जाए, बढ़िया सा तेल ना छोड़ेंगे, जब से तेल ना छोड़ेगा तब तक से मैं इसको भूनूंगी, भूनती रहूँ। देखिए अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, फिर बाद में देखें कम बेसी पड़ेगा तो डालेंगे। फिर इसमें ये हम कस्तूरी मेथी रखे हैं, ये डालेंगे, और ये कस्तूरी मेथी और ये गरम मसाला, ये जब हो जाएगा पक जाएगा इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे उतारते समय। अभी देखिए इस तरह से हमारा देखिए मसाला भून रहा है, अभी तेल नहीं छोड़ा है, ये भी भूनेंगे इसको। ऐसे ही भूनना है एकदम स्लो आँच करके, ऐसे ही भूनना है इसको। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा हो गया भून के, देखिए एकदम बढ़िया हो गया है। तेल हमने थोड़ा डाला है, ज्यादा तेल नहीं डाला है, फिर भी देखिए ऊपर तेल आ गया है इसको। ये देखिए अब इसमें हम मटर और पनीर दोनों मिलाएंगे, देखिए इसको भी बढ़िया से अच्छा से मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह मिलाना है इसको, बहुत ही अच्छा बनेगा। आप बना के एक बार खाइए, फिर बार बार मन करेगा आपका बनाने के लिए, होटल जैसे बनेगा। ये देखिए अच्छा से मिला लिया हमने, और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देखिए तो अच्छी तरह से इसको हमने मिला लिया है, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें पानी भी मैंने गर्म करके रखा है, गर्म पानी ही डालना है, ज़्यादा और नहीं डालना है। तो अपने हिसाब से अगर आपको पतला चाहिए तो पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बराबर ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी। अब इसमें हम ये जो रखी थी गरम मसाला और कसूरी मेथी, तो अब इस पर हम डालेंगे बाद में लास्ट में, इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, आप बना के एक बार खाइए। देखिए कितना कलर अच्छा आ गया है इसमें, है ना। तो ऐसे ही बनाइए, खाइए। देखिए ये देखिए अब हमारा एक अच्छी तरह से पक, देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए भी। अभी देखिए हम निकाल रहे हैं इसमें, ये देखिए अब इसको हम सजा देंगे बढ़िया से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा आया है और कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए फिर इस पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, डालना है थोड़ा सा। ये देखिए हमारे अच्छा से इसी क्रीम से इसको सजा दिया है। अब इस पर हम धनिया पत्ता डालते हैं, ये देखिए खूब अच्छा से इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए, सजा दीजिए, अच्छा लगेगा। देख लीजिए, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। धन्यवाद।